क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टॉस प्रेडिक्शन क्रिकेट यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाले समय में आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर के फैन हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। फ्रेंड्स, इंडिया लीजेंड और श्रीलंका के लीजेंड के बीच खेले जा रहे तीसरे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स के कैप्टन सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका लीजेंड्स की टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए दिलशान और रोमेश, और दोनों ने काफ़ी अच्छी शुरुआत करी। हालांकि शुरुआत कुछ ताबड़तोड़ नहीं थी। दिलशान ने शुरुआत में अच्छे अच्छे चौके लगाए लेकिन वह अपनी इनिंग को बड़ा इनिंग बनाने में तब्दील नहीं कर सके, और श्रीलंकाई टीम की पावर प्ले में काफी धीमी शुरुआत रही। उनका पहला विकेट आठवें ओवर में गिरा जहां पर उनके स्टार ओपनर तिलक रत्न दिलशान आउट हो गए। तिलक रत्न दिलशान जिन्होंने की अच्छी बल्लेबाजी करी, 23 गेंदों में 23 रन बनाए, 4 चौके उन्होंने लगाए। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से रोमेश ने 25 गेंदों में 21 रन बनाए, उन्होंने टोटल 4 चौके लगाए, उनका स्ट्राइक रेट 84 का रहा। उसके बाद अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका के स्टार खिलाड़ी है, उन्होंने सिर्फ 1 रन करे, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया, उनका स्ट्राइक रेट काफी लो था। उसके बाद थुसारा जिन्होंने की 10 रन करे, 14 गेंदों का सामना किया, 1 चौका के बल्ले से निकला, इनका इनिंग भी काफी ज्यादा स्लो था। उसके बाद कपू गेदरा जो कि इस टीम के थोड़े यंग प्लेयर हैं, उन्होंने 23 रन करे, 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 3 चौके लगाए, उनका विकेट जहीर खान ने लिया जहां पर मोहम्मद कैफ ने उनका काफी शानदार कैच पकड़ा। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए सेना नायक जिन्होंने की 15 गेंदों में शानदार 19 रन बनाए, उनके बल्ले से 3 चौके निकले, उनका स्ट्राइक रेट 126 का रहा, उनका विकेट जो है वो मुनाफ पटेल ने लिया और उनका कैच मनप्रीत गोनी ने पकड़ा था। उसके बाद महरूफ जो कि श्रीलंकाई टीम के स्टार पिंच हिटर बैटर थे, उन्होंने 9 गेंदों में 10 रन बनाए, 1 चौका उनके बल्ले से निकला, उनका स्ट्राइक रेट 111 का रहा। और उसके बाद अजंता मेंडिस जो कि लास्ट तक नॉट आउट रहे, उन्होंने 6 गेंदों में 9 रन बनाए, उनके बल्ले से 1 चौका निकला, 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद ऊचंदा के बारे में बात करें तो उन्होंने 3 गेंदों में 3 रन बनाए और वह आउट हो गए, उनका विकेट मुनाफ पटेल ने लिया। और अंत में रंगना हेरात ने लास्ट ओवर में जहीर खान के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हैट्रिक चौका लगाया। हालांकि उनके शॉट्स जो है वो कुछ कमाल के नहीं थे लेकिन उन्होंने लास्ट ओवर में 3 चौके लगा करके 15 रन टोटल श्रीलंका की टीम के लिए जोड़े। उसके बाद श्रीलंका की टीम का ऑल ओवर स्कोर 20 ओवर में 138 रन रहा, 8 विकेट के नुकसान पर एवरेज स्कोर कहा जा सकता है इस ग्राउंड पर, क्योंकि इस ग्राउंड पर एवरेज स्कोर 180 का है। हालांकि वह यंग प्लेयर्स के लिए है लेकिन श्रीलंका लीजेंड्स ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाए हैं और इंडियन लीजेंड्स की टीम के सामने 139 रनों का लक्ष्य रखा। अब फटाफट से हम नजर डाल लेते हैं इंडिया लीजेंड्स के बॉलिंग के स्कोर कार्ड के ऊपर। तो इंडिया लीजेंड्स की टीम की तरफ से जहीर खान ने 4 ओवर करे, 35 रन देकर के 1 विकेट मिला उनका इकोनॉमी रेट 8 का रहा। वही इरफान पठान ने 4 ओवर में 31 रन देकर के 1 विकेट लिया, उनका इकोनॉमी रेट भी अप्रॉक्स 8 का रहा। उसके बाद मनप्रीत गोनी जो कि इस टीम की तरफ से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर के 1 विकेट उनका मिला और काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी मनप्रीत गोनी ने करी, उनको काफ़ी अच्छी उछाल मिल रही थी इस पिच से। उसके बाद बात करते हैं मुनाफ पटेल जो कि इस पूरे इंडिया लीजेंड्स की के अभी तक के सबसे अच्छे बॉलर साबित हो रहे हैं। 4 ओवर में 19 रन देकर के 4 शानदार विकेट लिए और इंडिया लीजेंड्स की टीम की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर। और लास्ट में इंडिया टीम के एकमात्र स्पिनर प्रज्ञान ओझा जिन्होंने की 1 ओवर में 8 रन दिए, और संजय बांगर जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी स्लोअर बॉल काफी लाजवाब थी, उन्होंने 3 ओवर में 23 रन देकर के 1 विकेट लिए। तो ऑल ओवर श्रीलंका की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाया। अभी इंडिया लीजेंड्स की टीम के सामने 139 रनों का स्कोर है और भारतीय लीजेंड्स की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, दोनों काफी बड़े स्टार प्लेयर हैं। लास्ट मैच में दोनों ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इंडियन टीम को जीत दिलाई थी जहां पर वीरेंद्र सहवाग के से 74 रनों की आतिशी पारी निकली थी, और आज भी वीरेंद्र सहवाग से यही उम्मीद होगी। अब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर इंडिया लीजेंड्स की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आ चुके हैं। उसके बाद इंडिया लीजेंड्स की टीम की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा खराब रही, इनके 2 स्टार प्लेयर्स जल्दी आउट हो गए। चमिंडा वास श्रीलंका की टीम की तरफ से पहला ओवर करने आए जहां पर वो उन्होंने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग को लगभग फंसा ही लिया था। हालांकि वीरेंद्र सहवाग का कैच अट्टापट्टू ने छोड़ दिया लेकिन उसी ओवर में स्टार बल्लेबाज सचिन सर का विकेट जो है वो बहुत ही जल्द गिर गया और सचिन तेंदुलकर एक खराब शॉट खेल करके आउट हो गए। उनको वहाँ पर वो कोई शॉट बन ही नहीं रहा था, जो शॉट सचिन तेंदुलकर ने खेला था वो शॉट वहाँ पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और सचिन तेंदुलकर ने एक कैजुअली शॉट खेल करके अपना विकेट गवा दिया और वह 0 रन बना करके आउट हो गए। उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, उनका कैच विकेट कीपर कलुवथिरी ने
पकड़ा। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद कैफ और वीरेंद्र सहवाग दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ा बहुत स्कोर को ले जा रहे थे। मोहम्मद कैफ ने 2 चौके लगा भी दिए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद कैफ के एक टफ कॉल पर वीरेंद्र सहवाग का विकेट गिर गया, जहां पर वीरेंद्र सहवाग रन आउट हो गए उचंदाना के गेंद थ्रो पर। और वीरेंद्र सहवाग कैजुअली रन भाग रहे थे, अगर वो थोड़ा सा भी स्ट्रेच करते तो वह इस रन को कंप्लीट कर सकते थे, क्लियर कर सकते थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के कैजुअल परफॉर्मेंस के बदौलत यह विकेट उनका गिर गया और वीरेंद्र सहवाग रन आउट हो गए। 3 रन बना करके वहां आउट हुए, उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए इंडिया टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, दोनों के बीच अब पार्टनरशिप चलनी स्टार्ट हो चुकी है। और फ्रेंड्स मेरे अंदाजे से इस मैच को इंडिया टीम जीत सकती है, लेकिन इसके लिए इन दोनों प्लेयर्स को काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स अभी तक इंडिया लीजेंड्स का स्कोर 4 ओवर में 19 रन पर 2 विकेट है, जहां पर इनके 2 स्टार ओपनर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर आउट हो चुके हैं। इंडिया टीम अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन अभी भी इंडिया टीम के पास काफी अच्छी बैटिंग, इनके पास बैटिंग में थोड़ी बहुत डेप्थ है। लास्ट में इरफान पठान अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जहीर खान के पास भी बैटिंग स्किल्स है, जस संजय बांगर है अभी इनके पास, और युवराज सिंह मोहम्मद कैफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये दोनों प्लेयर से इंडिया टीम एक्सपेक्ट कर रही होगी, खासकर युवराज सिंह से, जो कि किसी भी मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं। तो दोस्तों मेरे अंदाजे से इंडिया इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि स्कोर कुछ ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन इसके लिए इंडिया लीजेंड्स की टीम को अपना विकेट बचा करके खेलना होगा। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो श्रीलंका लीजेंड्स ने लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स को हराया था, और इंडिया लीजेंड्स ने लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज लीजेंड्स को हराया था। तो यहां पर दोनों टीमों जो है वो अपना लास्ट मैच जीत करके आई है, जो टीम जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चली जाएगी। और इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में टोटल 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो दोस्तों ऐसे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, और यह इस पूरे सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मैच में से एक है, बिकॉज जो टीम जीतेगी वो पॉइंट टेबल में लीड करने लग जाएगी। तो दोस्तों मेरे अंदाजे से हो सकता है इंडिया लीजेंड्स इस मैच को अंत अंत तक क्लियर कर दे। अब देखना ये हुआ कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।